फतेहपुर जिले में उद्योग बंधु की बैठक हुई और आपको बता दें कि पिछले 3 महीने बाद यह बैठक हुई थी और इस बैठक की अध्यक्षता नवागंतुक जिलाधिकारी सी इंदुमती ने की। फतेहपुर लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बैठक किस तरीके की रही, क्या कुछ खास मुद्दे यहाँ पर उठे और इस बैठक का दूरगामी असर फतेहपुर के उद्योगों पर क्या होगा, क्योंकि उद्योग हैं तो रोजगार हैं और रोजगार हैं तो जो अर्थतंत्र है फतेहपुर का वो इससे चलता है और कई लोगों के इससे पेट भी पलते हैं और परिवार भी पलते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लघु उद्योग भारती जिला सत्येंद्र सिंह, उनसे हम बात करेंगे। 3 महीना बाद ये बैठक हुई, सबसे पहली बात तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये बैठक, क्योंकि जो नए जिलाधिकारी आई हैं सी इंदुमती, पहली बार उनकी बैठक हुई है, आप लोग गए थे उसमें, किस तरीके की बैठक रही है? जनपद फतेहपुर की उद्योग बंध की बैठक जरूर पिछले 2 महीने में नहीं हो पाई थी कि कुछ विभागीय दिक्कतें थी या अधिकारी नहीं थे और भी काम थे। ये बैठक हुई जो कि पिछले महीने की, इसी महीने की अक्टूबर माह की 4 तारीख को प्रस्तावित थी, लेकिन उस समय नया नया कार्यभार संभाला था तो इन्होंने कहा कि कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करके फिर डेट डिसाइड करते हैं। इन्होंने 1 नवंबर को बैठक रखी, बैठक में लघु उद्योग भारती के सारे पदाधिकारी और उद्यमी सम्मिलित हुए और जो इनका बैठक का रवैया रहा फर्स्ट टाइम, वो उद्योगों के प्रति बहुत अच्छा रहा, जिसमें सारे उद्यमी में हर्षोल्लास का माहौल रहा। क्योंकि देखिए, जब जिलाधिकारी उद्योग बंध की बैठक, एक महत्वपूर्ण बैठक जनपद की होती है और उन्होंने ये कहा भी, विभागीय अधिकारी क्या करते थे कि टाल मटोल की नीति अपनाते थे और रूढ़ रवैया उद्यमियों के प्रति अपनाते थे। बाकी जब जिलाधिकारी महोदया ने सारे बिंदु देखे तो उन्होंने कहा कि यार ये जनपद में इस तरह के बिंदु होते हैं, संबंधित विभागाध्यक्ष बहुत सारे एब्सेंट रहे, जिसमें से उनको 2-3 लोगों को तो फ़ोन से सीधा बात की कि आप अगर उद्योगों के प्रति इतने संवेदनशील नहीं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उद्यमियों से सीधा संवाद कर रहे हैं और उद्योगों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोग यहाँ जनपद में बैठे हैं तो क्या कहते हैं उद्यमियों के साथ रूढ़ रवैया या क्या कहते हैं टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं? बोले ऐसा बिल्कुल जनपद में नहीं चलेगा, आपको उद्यमियों के साथ सहयोग की भावना से आना पड़ेगा, आप यहाँ पर उद्यमियों को हर चीज़ हर संभव मदद करेंगे, अगर कोई गलती हो रही उद्यमियों से तो उनको सुधार कराइए, आपका दायित्व बनता है कि जनपद में उद्योग लगे। और इस तरह का आज जो हमारे बैठक में, हमारी अध्यक्षता की बैठक में आप नहीं आए हैं तो आपको 100 कास्ट नोटिस जारी कर रहे हैं हम, और इसका हमको सही जवाब दीजिए और नेक्स्ट टाइम से बैठक जिस दिन उद्योग बंद की हो तो किसी की कोई छुट्टी नहीं होगी, सबको, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो अलग मैटर है, बाकी बैठक में सबको रहना पड़ेगा। तो ये उद्यमियों के लिए बहुत अच्छा माहौल रहा और बैठक में जिस हिसाब से हम जिलाधिकारी को समझ रहे थे कि भाई फायर ब्रांड और युवा जिलाधिकारी हैं और उनका इस समय काम करने का भी ढंग भी अच्छा है तो हमारे जनपद के लिए कुछ खास होगा, इस बैठक में हमने उनके कुछ खास देखा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो बैठक शुरू हुई तो उस समय परिचय के साथ ही पूरी बैठक शुरू हुई थी और परिचय के बाद जब मुद्दे उठे, जो एजेंडे में जो मुद्दे थे, जब वो मुद्दे सामने आए और अधिकारियों से जब जवाब तलब की बात आई, फतेहपुर जी आपने देखा होगा कि जिला अधिकारी से को ये पता चला कि जो इसके वरिष्ठ अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वो अधिकारी बैठक में थे ही नहीं। बैठक में थे इसलिए नहीं क्योंकि ये कई तो ऐसे अधिकारी थे जो उनके अधीनस्थ अधिकारी थे, वो एक उनके पास बहाना था कि उनके पास 2 जगह का चार्ज है, कौशाम्बी का चार्ज है, फतेहपुर का चार्ज है। कुछ अधिकारी ऐसे थे कि बिना जिलाधिकारी को अवगत कराए ही छुट्टी पर चले गए, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उन्होंने, विभागीय अधिकारियों से उन्होंने अनुमति ली और छुट्टी पर चले गए। इसके बाद जिलाधिकारी सी इंदुमती ने उन सभी जिनके कनिष्ठ अधिकारी आए थे सबको नोटिस जारी किया और बहुत कायदे से फटकार लगाई, मतलब ऐसी फटकार फतेहपुर में हमें लग रहा है कि या तो एक आध बार अपूरा दुबे जी के समय में हमने देखी, वाकई उन्होंने भी बहुत फटकार वो भी खूब कायदे के लगाई। और उसके बाद आज जो तेवर, जो कल जो तेवर देखने को मिला वो निस्संदेह अपने आप में यह दर्शाने के लिए पर्याप्त था कि फतेहपुर में उद्योगों को लेकर कोई हीला हवाली नहीं चलेगी। और चंद्रभान सिंह उद्योग उपायुक्त फतेहपुर, उनसे स्पष्ट कहा गया है कि अगली बार से ये सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहें। सत्येंद्र जी, एक मुद्दा और भी उठा था जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कार्रवाई हो,
लोन ना देने का मुद्दा, जिलाधिकारी ने इस पे अच्छी खासी फटकार लगाई, जो भी वहाँ पे एडीएम मौजूद थे उनसे सवाल जवाब हुआ और इस पे एक एडीएम को जांच के निर्देश भी दिए गए हैं कि एडीएम इस पे जांच करे और पता करे कि आखिरकार जिन लोगों की फाइल नहीं हुई है वो क्या कुछ मामला है, वो आप बताइए कि किस तरीके से पूरा झंडा उठा आपने, इसको पूरा उठाया कैसे झंडा उठा और कैसे अधिकारी इसमें एक्सेस हुए और अब इस पे क्या होगा। देखिए ये मुद्दा तो हम पिछले 3 साल से लगातार उठा रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे जनपद को, जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार है, 4 से 5 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिया जाता है कि अति महत्वाकांक्षी जनपद से विकासशील जनपद बन सके, जिसके क्रम में हम हर साल कहते आए हैं कि चाहे जो भी योजना हो, PMEGP हो, MOISY हो, ODOP हो, इन योजनाओं के तहत जो सब्सिडी दी जाती है, सरकार का प्राविधान है 15% से लेकर 35% तक की सब्सिडी देती है, उस सब्सिडी को लेके यहाँ के लोग उद्योग लगाएं, रोजगार के अवसर उत्पन्न करें, लेकिन बैंक क्या करती है कि बैंक किसी को भी लोन नहीं देती है, केवल वो उनको हर, खास करके इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का इतना बड़ा गिरोह चलता है जनपद में। मैंने तो कल भी बैठक में यह कहा है कि महोदया पिछले 5 साल की हम जांच करा लें, उसमें 10% से एक भी उद्योग, अगर वो भी कम होगा, हम मैक्सिमम कह रहे हैं, वो उद्योगों के बाद एक भी नहीं है, केवल सरकार की सब्सिडी का बंदर बांट किया गया है और जो जनपद में उद्योग नहीं लगे हैं उन उद्योगों को, भाई जो कोई हो, चाहे हम हो, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं सरकार से कि हम फैक्ट्री लगाने के लिए लोन ले रहे हैं, सरकार हमको उसमें सब्सिडी दे रही है और फैक्ट्री ना लगा के हम उस पैसे से मजे कर रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं और सब्सिडी को बंदर बांट कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, तो देखिए भ्रष्टाचार में दोनों गुनाहगार हैं, देने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार है। अगर आप सब्सिडी लेके बैंक अधिकारी को दे रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए और सी इंदुमती जी ने यह कहा है कि नहीं हम इसमें कार्रवाई करेंगे और हमने इसके विस्तार से जानकारी दी है कि हर साल पेपर में 100 से 125 उद्योग लगते हैं। हमारा जनपद लगभग 26-27 लाख पॉपुलेशन का जनपद है जिसमें से 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करती है और आज भी अति महत्वाकांक्षी की श्रेणी में है और यहाँ का युवा रोजगार के लिए अन्य प्रांतों में भटकने को मजबूर हो रहा है सिर्फ अधिकारियों की कार्यशैली की वजह। सरकार का कोई कसूर नहीं है, सरकार लगातार जनपद के उत्थान के लिए, उद्योगों के उत्थान के लिए प्रयास कर रही है और हम भी जिला प्रशासन के साथ, आप जानते हैं कि लघु उद्योग भारती लगातार जनपद में उद्योगों की स्थापना से लेकर उद्योग चलाने तक लगातार प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि जो आप यूपी सीड़ा में खड़े हैं, हम इस समय रात के माहौल में खड़े हैं लेकिन इतना उजाला है, तो आज अगर हमारा यूपी सीड़ा इतना डेवलप हो गया, क्योंकि शहर के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं मिलेगा एक इंडस्ट्रियल एरिया में, तो हमें लगता है कि जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग के या जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को उतारने के लिए सबको कमर कसनी पड़ेगी, अन्यथा जिला अधिकारी महोदय इस समय बिल्कुल कोड़ा लिए हैं और जो अधिकारी काम नहीं करेगी उसकी रिपोर्ट शासन में जाएगी और जो कार्रवाई ये कर सकती है तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये कार्रवाई भी करेंगी और इनको जनपद में उद्योग लगाना पड़ेगा। और जो अभी उस लिस्ट में इसी साल का इन्होंने दिखाया है कि हमने, हमारे को भौतिक लक्ष्य इतना था, हमने इतना लोन इतने पास कर दिए हैं और इतने को डिसबर्स कर दिया गया है, उसकी कमेटी के लिए सी इंदुमती जी ने एडीएम को कहा है कि पहले आप करंट ईयर देखिए कि सत्येन जी जो कह रहे हैं कि वो सही है कि नहीं है, अब उनको देखा जाएगा वो उद्योग आखिर जनपद में, भाई 50 लोगों की लिस्ट है, हमको बताएं कि 50 उद्योग कहां लिखा, और उसमें अभी हम एक कमेटी बनवाएंगे, उस कमेटी में हमारे लघु उद्योग भारती का एक सदस्य भी सदस्य रहेगा ताकि अधिकारी उसको लीपापोती ना कर सके, वो सदस्य रहेगा और छटनी होगी कि अगर असोथर ब्लॉक में 20 लोगों को लोन हुआ है तो 20 को उद्योग के लिए लघु उद्योग भारती के कुछ सदस्य जाएंगे, संबंधित विभाग जाएगा, प्रशासन भी रहेगा और जांच होगी और उद्योग नहीं लगा पाया तो सबसे पहले बैंक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी, जो ले रहा है लगा रहा है उसके ऊपर तो होनी होनी है क्योंकि उसने गलत किया है, लेकिन बैंक अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा कि तुम जो आदमी लगाना चाहता है उसको तो लोन नहीं कर रहे हो, जो डिफॉल्ट करना चाहता है जानबूझ के तुम बैंक का पैसा डुबवा रहे हो, और जो उद्योग लगा के देश के लिए तरक्की का काम करेगा उसको दे नहीं रहे हो, तो ये कार्रवाई अभी आपको 10 दिन में देखने को मिलेगी। और हम लोगों ने सारी चीजें जो एजेंडे में थे अलग अलग, चाहे वो NHI का रहा हो मुद्दा, चाहे जिसका हो,
करा दिया है और एक एक पे कार्रवाई चालू होगी। आपने एजेंडे का मुद्दा उठाया, एजेंडे पे आते हैं। एजेंडे पे एक मुद्दा बिजली विभाग लगातार जिस तरीके से हिला हवाई लगातार करता रहा है और बिजली विभाग की चीजें देखने को मिली कि जब भी कोई उनका मुद्दा उठाया गया है और अगर उनके विरोध में जाता दिख रहा है तुरंत शासनादेश से लेकर के ये आदेश वो आदेश सारे आदेश ला के रख देते हैं। लेकिन वो आदेश भी जब मुद्दे की बात आई, जब बातचीत पता चला तो जिलाधिकारी को उसमें पता चला कि बिंदकी का एक ऐसा मामला है जो बिजली विभाग के अधिकारियों की ही जानकारी में नहीं है और उद्योग से संबंधित। ऐसे बिजली विभाग के अधिकारियों का रवैया क्या है उद्योगों के लिए, ये तो जिलाधिकारी को स्पष्ट समझ में आ गया। उसके लिए इन्होंने जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि भैया ये कौन सा मामला जो आपको खुद ही नहीं पता, एजेंडे तक में नहीं शामिल रहा है। पतेन जी, बिजली विभाग के अधिकारियों के इस रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो चाहे जनपद के हों या मंडल के हों, हम तो केवल जनपद की बात करें क्योंकि मंडल में हमारा एक ही अधिकारी सी साहब बैठते हैं मुख्य अभियंता और उनसे बहुत कम वार्ता का मौका मिलता है क्योंकि जनपद में अधीक्षण अभियंता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड करते हैं, देखते हैं। अब क्या होता है कि जब पूर्वांचल के एमडी ही निष्क्रिय हैं, हम तो सारा दोष पूर्वांचल के एमडी श्री शंभु सर को देंगे कि हमने विभाग में पहला ऐसा आईएएस ऑफिसर देखा है कि बिल्कुल निष्क्रिय हैं। एक बारी हमारे साथ बैठक में बात करी आज से 3 महीना पहले, उनको फोन करें उनका फोन नहीं उठता। तो जब उच्च अधिकारी का फोन नहीं उठेगा, आप ये बताइए, मैंने एक मैटर यहां पर बहुत संवेदनशील मुद्दा था, मैंने बिजली विभाग के 4 मुद्दे उठाए और जो शक्ति भवन से उनका कास्ट डाटा बुक बनाई गई है उस बुक को पूरा खोल के रख दिया। यहां के अधिकारियों को अगर पैसा नहीं दिया जाता तो वो कार्य नहीं करते और इन सब के जिम्मेदार कोई नहीं है, केवल शंभु सर हैं क्योंकि शासन के द्वारा एक एमडी को वहां बैठाया जाता है कि आप अपने मंडल के अपने डिस्काम की सारी व्यवस्थाओं को देखिए। यहां का बिजली विभाग केवल हम एक अधिकारी को कह दें एक्सियन राजमंगल, अगर वो जनपद में ना रहे तो यहाँ की बिजली व्यवस्था चरमरा जाए। वो केवल एक डिवीजन के एक्सियन है लेकिन पूरे जनपद को अकेले राजमंगल चला रहे हैं, ये अंदर की हकीकत है। बाकी जितने एक्सियन हैं या एसी हैं, एसी भी किसी लायक नहीं है जनपद में बैठे हैं और अगर राजमंगल एक्सियन ना हो तो जनपद की विद्युत व्यवस्था बिल्कुल डगमगा जाए। आपको बता दें, फरवरी में एक किसानों ग्रामोद्योग करके एक इंडस्ट्री है जहानाबाद में, उस इंडस्ट्री ने वहां पर दूध डेयरी लगाई। दूध डेयरी जब शुरू में नहीं लगती है तो अगला आदमी सोचता है कि काम चलेगा कि नहीं चलेगा, एक छोटे से लोड से काम करता है। उसने लगभग 50 KVA का लोड लिया और उस लोड से फैक्ट्री अपनी चला रहा था। उसको फरवरी में लगा कि अब सीजन आ रहा है, लगभग इंडस्ट्री से 200 गांव जुड़े हैं जो सीधा किसानों की आय हो रही है और एक गांव से लगभग 200 किसान जुड़ा है। उसने लोड बढ़ाने के लिए आवेदन किया फरवरी में, फरवरी से लेके अप्रैल तक वो चक्कर काटता रहा, उसको एस्टीमेट नहीं दिया गया। इसके बाद मैंने जिला तत्कालीन जिलाधिकारी श्रुति जी से बात किया, बात करने के बाद उन्होंने एक्सियन को बुला के बहुत फटकारा कि यार आप सरकार की मंशा में पानी फेर रहे हैं, आप इस तरह काम कर रहे हैं। तब जाके उनको एस्टीमेट दिया गया, अगले ने एस्टीमेट दिया 24 अप्रैल को शाम को करीबन 7 बजे। अब देखिए उद्यमी को, उसने 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे अगले के खाते में 4,23,000 का आरटीजीएस कर दिया। अब 26 अप्रैल से आज तक उस एस्टीमेट का ना तो सामान दिया गया, ना वहां पर जो एस्टीमेट में संबंधित कंडक्टर बढ़ाना है, भाई ज्यादा लोड लेगा तो केबल भी बढ़ेगी, कंडक्टर बढ़ेगा, सीटी पीटी चेंज होगा, उन सब का पैसा जमा कराया 4,23,000 और आज तक सामान नहीं दिया अप्रैल से। जब इनके पास स्टोर में सामान नहीं है तो पैसा क्यों जमा कराते हैं? और आज की बैठक में, क्योंकि उनको पता था कि ये बैठक में मुद्दा उठेगा, तो पेपर लेके आ रहे हैं कि देखिए हमने कागज में 80 KVA इनका लोड कर दिया है। उस कागज का क्या करें? जो आदमी 26 अप्रैल से फरवरी से चक्कर काट रहा है, अप्रैल में आपको पैसा दे दिया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीने हो गए, आपको तनख्वाह तो 30 तारीख को मिल जाती है, आपने उसके प्रति काम क्यों नहीं किया? आज भी उसको सामान नहीं दिया, वो उद्यमी बेचारा ओवरलोड के चार्ज, उधर बैंक की सीसी का लोन, इस तरह उद्यमी बर्बाद होता है। कोई भी आदमी उद्योग लगा के ये कभी नहीं सोचता है कि मेरा उद्योग ना चले, वो निरंतर मेहनत करता है 16 घंटा 18 घंटा। लेकिन जो सरकारी अधिकारी ये बैठे हैं संबंधित विभाग के, ये मजबूर कर देते हैं उस उद्योग को दम तोड़ने पर। आप बताइए, वो आदमी सीसी का ब्याज भी भर रहा है, ओवरलोड के चार्जेज भी भर रहा है और आज तक उसको कनेक्शन
का लोड नहीं बढ़ाया गया, तो ये इनकी हवाली है। और इसमें सबसे पूरा दोष शंभू सर का है, क्योंकि देखिए अगर आप मैन ऑफ द मैच भी लेते हो, श्रेय भी लेते हो कि मैंने सब कुछ सही किया, तो खामियां भी आपको, आप अपने अधिकारियों को क्यों नहीं सुधार कर रहे। उस बैठक में मैंने सारे बिंदु बताए थे, आज तक कोई कर एमडी साहब को शंभू सर को मैंने कम से कम 20 बार फोन किया, फोन नहीं उठाते। जब आप नहीं उठाओगे तो आपके अधीन से तो कभी नहीं उठाएंगे इसमें। और ये बात मैं अभी इस मामले में देवराज साहब को कहूंगा, जितने दिन उन्होंने शासन किया है वो कभी भी उपभोक्ता को परेशान नहीं होने दिया, अधिकारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की, और उनके कार्यकाल में अधिकारी टाइट फाइट। इसके पहले भी आप पूर्वांचल एमडी को ही ले लीजिए, विद्या सर सागर थे जो भी ये रहे हैं, उन्होंने कभी भी ऐसे माहौल नहीं बनने दिया। अगर किसी ने संगठन ने उद्यमी ने किसी से फोन किया, तुरंत संज्ञान लेके संबंधित को भेजा है। अब आप बताइए कि कैसे विभाग चलेगा, आपको रेवेन्यू कौन देता है? 30 तारीख को आप ये बताइए बिजली विभाग, अगर मेरा बिल 30 तारीख को है या किसी उद्यमी का है, उसने बिल नहीं जमा किया तो इस तरह फोन आते हैं उगाही के लिए एक महीने में, और नहीं जमा किया तो धमकी, आपका कनेक्शन काट दिया जाएंगे। किस अधिकारी को इन्होंने उसको 7 महीने कनेक्शन नहीं दिया, सस्पेंड किया या उसको पनिशमेंट किया? अगला तो उद्योग भर रहा है। और अगर इसमें हम अभी भी कह रहे हैं कि अभी मैटर जिलाधिकारी महोदया के पास अब पहुंच गया है, अगर संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो टोटल उद्यमी शक्ति भवन बैठेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएगा, क्योंकि ये जो 8-9 महीने की कार्यशैली रही इससे हम लोग खुश नहीं है बिजली से। ऐसे में जनपद में उद्योग पनपेगा नहीं, इनको काम करना पड़ेगा। दूसरा मैटर आया, एक उद्यमी 19 लाख रुपए एस्टीमेट जमा करने का तैयार है, एक्सियन उसमें साइन नहीं कर रहे क्योंकि उनको सुविधा शुल्क चाहिए। 3 एक्सियन बदल गए, सबको सुविधा शुल्क चाहिए, बगैर सुविधा शुल्क के काम नहीं कर रहे हैं। और ये तो एक लघु उद्योग भारती लगातार सरकार के साथ और प्रशासन के साथ चल रहा है, तो कुछ शर्म कर रहे हैं, नहीं तो इनका बस चले तो जनपद में एक भी उद्योग ना लगने दें। तो बिजली विभाग के ऊपर कार्रवाई होना तय है, और डिवीजन 2 के अगर एक्सीएन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो लघु उद्योग भारती फिर माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे, और हमें पता है कि जब राजा के पास जाएंगे तो न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें गलती पूरी उनकी है। बिल्कुल अन्याय तो होगा, क्योंकि जिस तरीके से नवगांतुक जिला अधिकारी सिंधुमती अपने एक्शन पे हैं और लगातार डांट फटकार के साथ बैठक पे ले रहे हैं, और साथ ही साथ जो अधिकारी नहीं आ रहे उनको नोटिस भी जारी की जा रही है, और जिस तरीके से जिले में एक प्रशासनिक ढांचा जो काम कर रहा है, चाहे अभी जो नए ADM आए हैं अवनीश त्रिपाठी जी, काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति लगे, हमारी पहली भेंट जब उनसे हुई, और इसके पहले जो मुख्य विकास अधिकारी लगातार सूरज पटेल जी लगातार काम कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि सत्येंद्र जी आने वाले दिनों में फतेहपुर में उद्योगों को लेकर ये जो अधिकारियों के अभी तक जो अधिकारी जो खेल रहे थे, मैं नहीं जाऊँगा तुम जाओगे, और तुम बैठक में कह देना कि मुझे पता नहीं। आपने देखा ही है कि एक अधिकारी, जब जिलाधिकारी ने पूछा कि हाँ भाई बताओ वो मामला क्या है, तो कह रहे मुझे पता ही नहीं। तो इस तरीके के जो मामले हैं, मतलब जिला अधिकारी को तो इस तरीके की इतनी झुंझलाहट हुई, और ये झुंझलाहट किसी को भी हो सकती है कि भाई आप बैठक में आए हो कि आप केवल चिप्स और पापड़ खाने आए हो? ऐसे अधिकारियों को तो बिल्कुल इतनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए कि ना आप अपने पद के प्रति जिम्मेदार हैं, ना आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मंशा के प्रति जिम्मेदार हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसकी अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है सत्येंद्र जी, जिला अधिकारी की, मतलब इतनी जिले की सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के साथ आपकी बैठक होने जा रही है, उसमें आप उनको अवगत तक नहीं करवाते, बताते तक नहीं कि भैया हम आएंगे क्यों नहीं आएंगे, किसी और को भेज देंगे। ये तो ये जो मामले चल रहे हैं इस पर कहीं ना कहीं सिंधुमती के आने के बाद रोक लगेगी, जिस तरीके से उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं, और चंद्रभान सिंह उद्योग उपायुक्त फतेहपुर जो हैं इस पर प्रयास भी कर रहे हैं, और वो तो खैर लगातार लोगों को फ़ोन करके ही बता रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, और नोटिस भी, वो नोटिस जो सूचना है पत्रावली है वो भी भेज रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल अभी तक की स्थिति तो यही है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है जिस तरीके से फटकार लगी है, एक को तो सीधे जिलाधिकारी सिंधुमती ने फोन करके फटकार लगाए और उनसे कहा कि जब आपको पता था कि बैठक हो रही तो आखिरकार आप आए क्यों नहीं, फोन पे फटकार लगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगली बैठक में, उद्योग बंधु की बैठक में कितना इसका असर होता है, और जिसका असर नहीं होगा तो इस बार शासन को पत्रावली जाएगी और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाएगी। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।